साथियों, दिल्ली का मैं अपने एक इंटरव्यू में जब चिदंबरम साहब से माइनिंग के मुतालिक एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं माइनिंग के पक्ष में हूँ, क्योंकि अगर माइनिंग नहीं होगी तो इन आदिवासियों को रोजी रोजगार कहाँ से मिलेगा, उनके बच्चों को जूते कहाँ से पहनने को मिलेंगे, इत्यादि इत्यादि। हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट अभी हाल में उन्होंने एक ड्राफ्ट जो कि पब्लिक डोमेन में मुहैया है और लोगों को पढ़ना चाहिए, उसके चौथे अध्याय के आखिरी हिस्से में जो लेखक हैं, जो सब ग्रुप है जो जिन्होंने इस पर काम किया, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है जो इसका टाइटल है अनफिनिश टास्क ऑफ लैंड रिफॉर्म, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि कैसे सन 2000 से जब प्रतिरोध के चलते आदिवासियों जो कि माओवादियों के और अन्य संगठनों के बस्तर के क्षेत्र में जो प्रतिरोध उनका चल रहा था इन एमओयूज के खिलाफ जो कि बड़े बड़े माइनिंग कॉरपोरेशंस के साथ करे जा रहे थे, उसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा, ऐसा उस अध्याय में उस रिपोर्ट में जिक्र है। फिर वो कहते हैं कि उन लोगों को फिर यह भी डर था कि मुहैया आदिवासी जो कि जीने मरने के लिए तैयार है वो कहीं इस प्रतिरोध में अगर वो जबरदस्ती कुछ लागू करने जाते हैं तो कहीं वो लड़ाई पर ना उतर आए। इसीलिए वो रिपोर्ट कहती है आगे कि इसी के चलते सन 2005 में सलवा जुडुंगा के नाम पर इस प्रतिरोध को कुचलने के लिए और उस क्षेत्र में, उस बस्तर क्षेत्र में माइनिंग कॉरपोरेशंस को जमीन कब्जा करने के नाम पर सभा जुलूम की शुरुआत हुई और जिसके फाइनेंसर्स वो जिक्र करते हैं, रिपोर्ट जिक्र कर रही है एसआर और टाटा रही है, और वो कहते हैं कि जो 640 ग्राम जो कि विस्थापित किए गए जहां करीबन कम से कम 3.5 लाख लोग विस्थापित किए गए, वो जमीन को टाटा और एसआर अब इंतजार में है कि क्या वो उनके कब्जे में आए। ये सरकारी रिपोर्ट में जिक्र है। इसी बस्तर क्षेत्र में सन 78 से बीडी शर्मा साहब ने जिक्र किया कि कैसे आदिवासी शुरू से लड़ रहे हैं बस्तर क्षेत्र में। जब बैरादिला माइंस की शुरुआत हुई उसका उसके आने के पहले भी आदिवासियों ने उसका प्रतिरोध किया और उसमें बीडी शर्मा साहब की भी खास अहम भूमिका रही है, जबकि वो डिविजनल कमिश्नर थे आईएएस के, उस वक्त आईएएस में थे तब तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। लिहाजा ये पुराना सिलसिला है प्रतिरोध। देश के अलग अलग हिस्सों में माइनिंग कंसेशन उसके नाम पर जो आदिवासियों की जमीन कब्जा की जा रही है जिसके के लिए एमओयू साइन किए गए हैं, लेकिन इस प्रतिरोध के चलते एमओयू तो साइन तो कर दिए लेकिन इन्हें कहीं भी लागू नहीं किया जा सका, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, कहीं भी हो, एमओयू तो इन्होंने सैकड़ों की संख्या में साइन किए हैं लेकिन किसी एक पर भी काम अभी तक चालू इससे नहीं कर पाए हैं, क्योंकि प्रतिरोध का स्वर इतना तेज है कि उसके सामने सरकार को पीछे हटना पड़ा। और इस प्रतिरोध में अहम भूमिका निभाई है नक्सलाइट्स ने और माओवादियों ने, इससे भी इनकार नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि और संगठन और समूह इस संघर्ष में नहीं है साथ, या वो प्रतिरोध में सामने नहीं है मौजूद, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट है कि अगर उन्हें ये एमओयूज लागू करवाने हैं और उस जमीन को मुहैया करवाना है माइनिंग कॉरपोरेशंस को, और जो जमीन के नीचे दबी है और जिनके दाम हजारों करोड़, लाखों हजारों करोड़ रुपए के, जिसमें खजाना गड़ा है, उसकी लूट तभी मुमकिन हो सकती है जब प्रतिरोध के जो सबसे तेज स्वर है, जो सबसे तीखा प्रतिरोध कर रहे हैं, उन्हें कमजोर किया जाए। और इसीलिए इसे जंग के रूप में आज
सरकार की नीति इसे जंग के रूप में उस इलाके से उस प्रतिरोध को कमजोर करके, चाहे कहीं माओवादी हो, चाहे कहीं और एमएलके घटक हो या कोई और संगठन काम कर रहे हो, उनको कमजोर करने के लिए सबसे पहले आपको उन्हें कमजोर करना पड़ेगा जो सबसे तेज स्वर में प्रतिरोध कर रहे हैं और जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि इसमें नक्सलाइट और माओवादियों की अहम भूमिका है। और इसीलिए आज हम आदिवासियों की इस लड़ाई को, जो कि अब वो अपनी जमीन के लिए, अपनी नदी के निजीकरण के खिलाफ, अपने जंगल से विस्थापन होने के बाद और या उसकी आशंका या उसके खतरे से निपटने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, उसमें ये दोनों चीजें घुल मिल गई हैं। इन्हें अलग करके देखा नहीं जा सकता। ये मात्र केवल आदिवासियों का ही सवाल नहीं रहा, इसमें और भी चीजें जुड़ गई हैं जो इसे और एक व्यापक दर्जा दे रही हैं। और ये है कि ये पूरे व्यवस्था को एक रूप से एक चुनौती मिल रही है और उस चुनौती को कमजोर करने। तो हमें आज ये तय करना है कि अगर सरकार को यह अधिकार है कि वो लोगों के खिलाफ जंग छेड़े, और जो कि सरकार मानती है कि उसका अधिकार है, और वो कहती है कि उसका ये उसका न केवल अधिकार है, उसका दायित्व है कि वो रूल ऑफ लॉ कायम करे, तो फिर ये लोगों का भी दायित्व बन जाता है कि वो इस जंग के खिलाफ अपना भी जंग छेड़े, वो जंग जायज है। और ये हमें करना चाहिए।